समस्त मातृशक्ति को हमारा चरण बंधन। मंचासीन श्री अशोक कुमार सिन्हा सर, साहित्यकार एवं पूर्व निदेशक उपेंद्र महारथी संस्थान एवं बिहार राज्य खादी बोर्ड, इस महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर डॉक्टर मीरा कुमारी जी, एमएसएमई विकास संस्थान पटना के सहायक निदेशक श्री रविकांत सर, हमारे लीड बैंक से आए हुए श्री असीम कुमार सिन्हा जी, सफल उद्यमी केदार हाउस की प्रोप्राइटर मैडम ऋचा कुमारी, महाविद्यालय के एचओडी फिलोसफी डॉक्टर बीना कुमारी मैडम, एचओडी इकोनॉमिक्स डॉक्टर नंदिता मेहता नंदिनी मेहता मैडम एवं अशस्त्र सीमा बल से आए हुए श्री गौतम सागर सर, सभी को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय की सभी प्राध्यापिका महोदय एवं भावी उद्यमी एवं समस्त मातृशक्ति को मेरा पुनः चरण वंदन। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो कि एमएसएमई विकास संस्थान पटना के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके बैनर से साफ शब्दों में लिखा है उद्यमिता जागरूकता का, शायद जो हम लोग यहाँ बैठे हैं इसके टॉपिक विषय शब्द पंक्ति जो कहें उससे स्पष्ट है कि आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। उद्यमिता, उद्यमी को जागरूक करने के लिए, अपने अंदर जो उद्यमिता का भाव है उसको जगाने के लिए। कोई कहीं से कुछ बन के नहीं आया, सभी ने इस धरती पे ही जन्म लिया और इसी मिट्टी में पला बड़ा, उसके बाद माता सरस्वती के कृपा से कोई नौकरी पेशा में जाते, कोई उद्योग लगाते, कोई नौकरी पेशा करने के बाद उद्योग लगाते, कोई सारे कामों को करके करते हुए भी उद्योग लगाते। उद्योग एक ऐसा चीज है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा पेशा है जो हम लोग हर कुछ करते हुए भी शायद अगर चाहें तो अपने घर से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उद्योग में क्या है, अगर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों का ये इच्छा होता है पढ़ाई के क्रम में ही, हमारे माता पिता की भी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, विदेश में ऐसा करेगी, आईएएस बनेगी। लेकिन बहनों एक चीज बताते हैं, ये सभी का ख्वाहिश होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत से कष्ट काट करके हमको उन्होंने इस धरती पे लाया है, बहुत सारे हम ना जाने हमें बड़ा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए उनको किन 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 कष्टों से गुजरना पड़ता है, तो ख्वाहिशें तो होगी, लेकिन कोई ऐसे माता पिता शायद ही होते हैं किन्हीं का इच्छा नहीं होता कि हमारा बेटा बेटी उद्योग ना लगाए, उद्यमिता ना करे। क्यों? क्योंकि उद्यमिता करने से क्या है, दो बातें होती हैं। एक, जो हम उद्योग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ प्रॉफिट हमें भी आता है, जिससे हमारा घर परिवार चलता है, साथ में